पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली ने कहा कि पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ाने के प्रदेश सरकार के निर्णय सरासर गलत हैं। उन्होंने कहा कि बसें चल नहीं रही हैं, कोरोना महामारी के बीच लोग आवश्यक कार्यों के लिए घर से निकल रहे हैं। ऐसे में तेल की कीमतें बढ़ाकर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच जंग लड़ रहे प्रदेशवासियों और खासतौर पर बढ़ती बेरोजगारी व कोरोना के चलते नौकरी गंवा कर आने वाले लोगों के लिए सरकार का कोई विशेष प्रबंध होना चाहिए। पूर्व मंत्री ने कहा कि ऐसे दौर में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देकर राहत देनी चाहिए, जिससे वे भी हालत से निपट सकें। उनका कहना है कि गरीब के अलावा मध्यम वर्ग के लोग इस दौर में अधिक पिस रहे हैं। इकॉनमी जो है वो डामाडोल हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रही है और आप इकोनॉमी को सुधारने के बजाय पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा रहे हैं, जो एक बेसिक है किसी भी चीज को रियायत करने को जब प्राइस बढ़ाने के लिए। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, पिछले कल आपने, दो दिन पहले आपने बढ़ाए, ये अतिरिक्त बोझ पड़ेगा लोगों के ऊपर। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बिजनेस खत्म हो गए हैं, वो स्थिति में नहीं है कि आपको सरकारी, एक ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री जी ने अब इस वक्त बीजेपी जो है वो दिल्ली में भी पार्टी जो है वो सेंटर में पावर में है, प्रदेश में भी वही है और फॉर्चुनेटली आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो हिमाचल से हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप इसमें अगर अपोजिशन पार्टी का भी सहयोग लेना चाहें तो वो भी, मैं समझता हूँ कि पूरा सहयोग आपको मिलेगा और प्रदेश के हितों के लिए, प्रदेश के नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके हितों के लिए जहाँ भी आप चलने को कहेंगे हम लोग आपके साथ हैं। और किसान मजदूर जो है वो भरपेट रोटी खाए और उसको दोबारा से जो जिंदगी है उसको नॉर्मल तरीके से काटने का मौका मिले, और उसके साथ साथ हम साथ में ये भी तैयारी करें कि हमने कोरोना से कैसे निपटना है, ये कुछ मेरे आपसे आग्रह रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप अपने विवेक से फैसले लेकर के प्रदेश को ठीक दिशा में लेके जाएंगे, इतना मैं कहना चाहता हूँ।